पार के भाई नाव से जाते हैं नदी पार करके, फिर वहाँ पर जाते हैं मतलब पूजा करने कुछ भी। और भाई थोड़ा सा जूम करता हूँ इस पौधे में, और वहाँ पर मतलब यहाँ पर जितने बोए गए हैं सब में मतलब भाई अब फल हो चुके हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, उम्मीद है मेरे भाइयों सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं आया हूँ एक अननोन प्लेस पे, जो गाइस आप लोग ये जगह देख रहे हो ना, मैं भाई नदी में हूँ। पूरी नदी आज सूख चुकी है, यहाँ से मतलब एक महीने डेढ़ महीने पहले पूरी नदी सूख गई है, वरना भाई आज से जब नहीं सूखी थी ना भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इतना ज़्यादा पानी था ना भाई पूरे ब्रिज पे छू के जाती थी। अगर आप लोग ये वहाँ पर ब्रिज देख रहे हैं, ये पूरे भाई ब्रिज पे सड़ के जा रही थी। और हम अभी लोग तीन लोग आए, देखो भाई दो लोग जा रहे हैं आगे और नहीं है, इसको मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह अननोन। आप लोग जानते हैं कि नदी में ज़्यादा बालू होते हैं, तो गाइज मैं आज आप लोग को कुछ ऐसे चीज़ दिखाने वाला हूँ जहाँ पर भाई वहाँ पर खीरे हो गए भाई बोते हैं। तो चलो भाई मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग गाइज यार लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना, मैं चलो भाई आप लोग को दिखाता हूँ। और अभी प्रेजेंट टाइम पर भाई अभी जो बोया जा रहा है वो अभी भाई मतलब खीरे ही बोए हैं सब लोग, खरबूज वरबूज नहीं बोए हैं। तो चलो भाई मैं आप लोग को खीरा ही दिखाता हूँ। लेकिन गाइज इतनी ज़्यादा बड़ी है नदी, मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मैं आधे नदी में हूँ। इस साइड थोड़ा सा सिर्फ पानी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, ये तो भाई पूरे में देख रहे हैं सिर्फ रेत ही रेत। हम लोग यहाँ पर भाई इंजॉय करने आए थे, अभी छः लोग हम थे, तीन लोग कहीं गए दूसरे पे दूसरी ओर घूमने, तो वो लोग आ जाएंगे फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। पहले भाई चलो मैं आप लोग को इधर थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसा क्या व्यू है, बहुत मज़ा आएगा। गाइज आप लोग लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना। तो गाइज आप लोग ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, कलिंगर यानी कि मतलब वाटरमेलन। और अभी चलो गाइज मैं आप लोग को खीरा दिखाता हूँ, अभी मतलब इसको मतलब चारों तरफ से माटी हटाकर इसमें पौधे लगाए हुए हैं, और अभी हुआ नहीं ज़्यादा भाई, ऐसा लग रहा है कि अभी ज़्यादा हफ्ता दिन हुआ होगा इसको मतलब बोए हुए हैं। तो चलो गाइज मैं अभी आप लोग को आगे का थोड़ा सा सीन और दिखाता हूँ, वीडियो में ज़रूर भाई लास्ट तक आप लोग बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज आप जो ये पौधे देख रहे हैं यहाँ पर वहाँ पर और जितने लोग जितने दूर में भाई आपकी नज़र चली जाए, सब भाई जो पौधे हैं ये सब खीरे के हैं मतलब है। और ये वाला तो भाई पता नहीं किस चीज़ का है, अगर भाई आपको पता तो कुछ बता सकते हैं। ये भी भाई खीरा ही मतलब बोल रहे हैं खीरा ही है, और बहुत दूर तक भाई खेती की गई है मतलब खीरे की। चलते हैं भाई और आगे देखते हैं क्या और मतलब ये सब लोग उगा रहे हैं, और देखते हैं गाइस कैसा क्या सीन है। आप लोग गाइस यार वीडियो में लास्ट तक बने रहना, हम चलते हैं भाई। और हम लोग भाई चल के आ चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर जिन्हें लोग जिन्हें पौधे आप लोग देख रहे हैं सब खीरे के हैं। लेकिन भाई ये एक हो गया, और उधर है ऐसे मतलब किनारे साइड में जो छोटे छोटे पौधे हैं, अगर भाई मुझे नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो भाई आप लोग कमेंट या में यार बताओ कि ये कौन से पौधे हैं और किस चीज़ के मतलब किस चीज़ के हैं, तो गाइज हमें भी पता चलेगा। तो वैसे भी भाई हमें पता नहीं है, और इन लोगों से अगर जो बोते हैं मैंने इनसे पूछा कि आप बता सकते हैं, तो ये बोले भाई हमारे पास टाइम नहीं, आप वीडियो आए बनाने और वीडियो बना के चले जाओ। तो गाइज सो गाइज आप देखें ये है खीरा, और मैं भाई थोड़ा सा जूम करता हूँ इस पौधे में, और वहाँ पर मतलब यहाँ पर जितने बोए गए हैं सब में मतलब भाई अब फल हो चुके हैं खीरे। और वहाँ पर जो मैंने आपको दिखा था उसमें अभी नहीं हुए मतलब उसमें अभी फूल ही नहीं आया है, और उसमें अभी रिजल्ट ही कुछ नहीं आया, लेकिन भाई इसमें थोड़ा सा रिजल्ट आ गया है, खीरे थोड़े बहुत बड़े हो चुके हैं। और गाइस अभी और आगे चलते हैं, मतलब भाई जिन्ना है भाई सब में भाई खीरे आ चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ से आके दिखाऊँ तो आप लोग देखे गाइज यहाँ पर भाई है एक खीरा, और उसमें भी इसमें भाई मतलब पूरे में अभी और आगे चलते हैं गाइज, देखते हैं वहाँ पर क्या है। सो गाइज आप लोग थोड़ा सा इंजॉय करो यार, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आपसे मिलता हूँ। लेकिन गाइज उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, गाइज आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ से दिख रहा होगा ना, वो गाइज है मंदिर मतलब नदी पार के भाई नाव से जाते हैं नदी पार करके, फिर वहाँ पर जाते हैं मतलब पूजा करने कुछ भी। और ये है गाइज नदी, और गाइज बहुत ही ज़्यादा बड़ी नदी है, मैं आप लोग को क्या बताऊँ यार गाइज, पूरा मतलब थोड़े ही मतलब जिनने नहर रहती है ना नहर से पाँच गुना ज़्यादा भाई, और सब तो सूख गया है, वरना भाई अगर जो जब बाढ़ आया था ना पूरे ब्रिज के लेवल से पानी जा रहा था, अब तो गाइस उतना नहीं जा रहा है। और आप लोग यार थोड़ा सा इंजॉय करो, मैं अभी जाता हूँ भाई दूसरे साइड में, और उस साइड जाऊँगा गाइस, इस साइड से रास्ता नहीं है जाने के लिए, मैं उस साइड जाता हूँ, आप लोग को थोड़ा सा और दिखाता हूँ। अभी आप लोग यार गाइस लास्ट वीडियो में लास्ट तक बने रहे।
जिन तीन लोगों की गाइज मैं बात कर रहा था वो लोग अभी आ चुके हैं और भाई पहुंचे कि नहीं, वह फोटो शूट होने लगा। और गाइज मैं बोला था ना अभी मैं जाऊंगा दूसरी साइड और आप लोगों को दिखाता हूं कुछ, लेकिन गाइज मैं यहां पर आया तो भाई यहां पर देखते पूरा खाली खाली, मतलब यहां पर कुछ नहीं बोए हुए, उस साइड बोए थे मतलब पौधे वौधे सब लगाए हुए थे, अभी गाइज इधर नहीं है। और गाइज यही था आज का वीडियो, और गाइज आप लोग इंजॉय किए होंगे मुझे पता है यार, बहुत ही मज़ा आया होगा आप लोग। गाइज मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, पानी में दिखाता हूँ, और गाइज मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा कि ये बालू वैसे तो दब नहीं रहा है गाइज यार, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा गाइज। और यहीं तक, उम्मीद है भाई सब बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, मैंने आप लोग को सारा चीज़ दिखाया और सब चीज़ मैंने आपको दिखाया, और एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज यार बाय बाय, जय हिंद।